मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। एक तरफ अग्निवीर योजना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है तो दूसरी तरफ 4 साल बाद अग्निवीर सेवा समाप्त होने पर भाजपा अपने दफ्तरों में अग्निवीरों से दरवानी कराएगी, दाएं बाएं और लेफ्ट राइट कराएगी। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद भाजपा के एक नेता कह रहे हैं। जरा आप भी सुनिए। मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। तो क्या अग्निवीरों को बहाल करने और इस योजना को लाने के पीछे का मकसद बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उन्हें अग्निवीरों से भाजपा दफ्तरों की दरबानी करानी है? सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के देश भर में 200 से अधिक आलीशान कार्यालय खुल चुके हैं और 300 खुलने वाले हैं। क्या इन सबों में अग्निवीरों से दरबानी कराएंगे? मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। ऐसा लगता है कि भाजपा की कई नीति और अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरह से लोग भाजपा के नेता, विधायक, सांसद को खदेड़ रहे हैं, उनके घरों और बीजेपी दफ्तरों को निशाना बना रहे हैं, शायद उसे देखते हुए ही भविष्य में उन्हें अपने घरों और दफ्तरों की दरबानी के लिए अग्निवीर जैसे ट्रेंड युवाओं की जरूरत पड़ेगी। इसलिए 4 साल की नौकरी का एक लॉलीपॉप भारत के तमाम बेरोजगारों को तो नहीं थमा रही बीजेपी, पर लगता है देश भर के युवा और खासकर बिहार के युवाओं ने 4 साल की नौकरी के बाद भाजपा के दफ्तर में दरबानी करने की इस मंशा को पहले ही भांप चुके हैं। शायद इसलिए भाजपा के नेता, विधायक और सांसद को लोग खदेड़ रहे हैं, उनके दफ्तरों और घरों को निशाना बना रहे हैं। इस हो हंगामे के बीच भाजपा के 12 नेता को वाई श्रेणी की सुरक्षा केंद्र की तरफ से दे दी गई है। सिर्फ दे ही नहीं दी गई है, इन 12 नेताओं ने इसे लपक कर झट से पकड़ लिया है। यानी बिहार सरकार में शामिल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, दो डिप्टी सीएम, सांसद और विधायक को बिहार पुलिस की सुरक्षा पर विश्वास नहीं है, ये अब केंद्रीय सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। हद है, सरकार को ही सरकारी सिस्टम और पुलिस पर विश्वास नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ तक कह दिया कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, माय बाप, हमारे घरों और दफ्तरों को तोड़ा जा रहा था, पुलिस चुपचाप देख रही थी। विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है, हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है, 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं, और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है, यह बहुत गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं, और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के सरकार और पुलिस पर सवाल खड़ा करने के बाद जेडीयू नेता ललन सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल आमने सामने आ गए। संजय जायसवाल ने राज्य सरकार पर बीजेपी के नेताओं को चिन्हित कर हमला करने का आरोप लगाया तो ललन सिंह ने साफ कह दिया संजय जायसवाल अपना संतुलन खो बैठे हैं। केंद्र सरकार की योजना को लेकर छात्रों में अगर कोई असंतोष है तो छात्रों से बैठकर बात करें, तभी समाधान निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी को
एड्रेस करना चाहिए, उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को कहां से क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन थोड़ा अपने को संतुलित करिए, जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं और देश में गुड गवर्नेंस के का उनको पुरस्कार मिल चुका है, तो इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तमाम आरोपों को ऐसे समझिए कि बिहार पुलिस ने पूरे राज्य में उपद्रव करने को लेकर 145 एफआईआर दर्ज कर कुल 804 लोगों की गिरफ्तारियां की है। जिस तरह अग्निपथ स्कीम के कारण बिहार में हिंसा भड़की, यह साफ इशारा करती है कि अग्निवीर पॉलिसी केंद्र सरकार लाई, विरोध केंद्र सरकार का, तो इस बीच राज्य सरकार अपने जनता पर डंडे और गोली चलाकर क्यों विलेन बनेगी? रही बात कार्रवाई की, तो एक बार हम आपको फिर बताते हैं, 145 एफआईआर दर्ज कर कुल 804 लोगों पर बिहार पुलिस ने अब तक कार्रवाई की है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस के द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बावजूद पुलिस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का आरोप लगाना कहीं ये तो नहीं बता रहा कि नीतीश कुमार के कंधे पर बंदूक रखकर प्रदर्शन करने वालों पर गोली चलवाने की मंशा रखती है बीजेपी? जिन्होंने उत्पात मचाया, रेलवे को नुकसान कराया है, उनके विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज किया गया है और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग इसमें संलिप्त हैं जिनके संबंध में हमारे पास जानकारी आ गई है। हमारे रेलवे के सीसीटीवी फुटेज हमारे पास हैं, हमारे पास बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डिंग हैं, हम लोगों ने भी अलग से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखा है, तो बहुत सारे लोग उसमें चिन्हित कर लिए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी का अभियान हम लोग अब शुरू कर रहे हैं। आज रेलवे स्टेशन पर पूरे बिहार में कहीं कोई समस्या नहीं है, चूँकि पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल प्रतिनियुक्त है और सारे लोग बहुत ही चौकस हैं, सजग हैं, सतर्क हैं। अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। खैर, साफ है, बवाल तोड़फोड़ सरकारी संपत्ति का नुकसान किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। विरोध का तरीका लोकतांत्रिक हो सकता है, जिसे समझाना आज के हालात में बेहद जरूरी है। वहीं केंद्र सरकार कृषि कानून के बाद एक बार फिर अपनी ही योजना में बुरी तरह फंसती नजर आ रही है, तो वहीं बिहार में गठबंधन के अंदर कलह एनडीए के लिए आने वाले वक्त में भारी पड़ सकते हैं। जरूरत है आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर इन समस्याओं का समाधान निकालने की। न्यूज़ लाइव डेस्क, पटना।